वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ रहती हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं हूँ। फिलहाल से क्या मतलब है? यही कि मैं और मेरी छोटी बहन बुआ के यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। क्या बस कुछ दिनों के लिए? इसका मतलब तुम यहाँ पे नहीं रहोगी? हाँ, मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हूँ। सर, कैलेंडर मॉडल का जॉन कंपनी में आना कैंसिल हो गया। क्या कोई मॉडल जॉन कंपनी में आने के लिए कैसे मना कर सकती है? सर, मॉडल को सडनली पेरिस जाना पड़ा इसलिए। सर, अब हम क्या करेंगे? हमारी कंपनी की कोरिया वुमेन्स कैलेंडर लॉन्च होने वाला है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चंकू प्यांग को देखते हुए कहता है। कोई नहीं, कंपनी की एम्प्लॉय इस कैलेंडर के लिए फोटो शूट करेगी। मिस प्यांग, क्या तुम्हारा पहले वाला काम खत्म हो गया? हाँ सर, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? नहीं, तुम इस कंपनी के लिए कैलेंडर वुमेन मॉडल फोटो शूट करोगी। क्या? पर सर, मुझे मॉडलिंग नहीं आती है। मैंने जो कहा वो करो, वरना तुम इस कंपनी से जा सकती हो। प्यांग, तुम कर सकती हो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर रोज, मुझे मॉडलिंग नहीं आती। प्यांग, जॉब छोड़ने से तो अच्छा है, तुम मॉडलिंग कर लो, बस कुछ घंटों की तो बात है। ठीक है रोज, मैं करती हूँ। प्यांग रेडी होकर आती है। रोज प्यांग को फोटोशूट में बिजी कर देती है। सर, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? क्यों, मन भर गया है काम से? नहीं जा सकती। पर सर, 7:15 बज गए हैं। तो तुम कंपनी के होटल रिजोर्ट में जाओ और सभी गेस्ट का वेलकम करो। प्यांग होटल रिजोर्ट में आ जाती है जहाँ आर्यन की पार्टी चल रही होती है। वेलकम सर। ते तुम कब आओगी? बुआ, बारिश होने वाली है और अभी तक ते घर वापस नहीं आई है। फोन करो ते को, कहाँ रह गई है? बुआ, फोन नहीं लग रहा है। फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वेलकम सर। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। बुआ जी, मैं ते को लेकर आती हूँ। नहीं जिमिन, हम तुम्हें बारिश में ऐसे जाने नहीं दे सकते। एक तो ते अभी तक घर नहीं आई है, ऊपर से तुम्हें चली जाओगी तो मैं तुम दोनों बहन को कहाँ ढूंढूंगी? पर बुआ जी, ते बारिश को थोड़ा कम होने दो, फिर हम दोनों चलेंगे ते को लाने के लिए। प्यांग बारिश में भीग जाती है। जंकुक ते को बारिश में भीगते हुए देखता रहता है। हेलो सर, वेलकम। प्यांग, तुम बारिश में भीग क्यों रही हो? डैड, वो जंकुक, तुम इतनी बारिश में प्यांग को यहाँ पर काम पे क्यों लगाए हो? तुम ना कभी कभी हद कर देते हो। त्यांग बेटा, तुम घर जाओ। जंकुक, तुम त्यांग को अभी घर छोड़कर आओगे। ओके डैड। मिस त्यांग, कार में बैठो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। त्यांग, मैंने कहा ना कार में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें ऐसे कोई बात समझ में नहीं आती है ना? त्यांग जंकुक की बात नहीं मानती है तो जंकुक त्यांग को जबरदस्ती अपने कार में बिठाता है। आप मुझे जबरदस्ती कार में नहीं बिठा सकते हो। मैंने तुम्हें बिठा दिया है और तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जंकुक जब प्यांग से कोई जवाब नहीं पाता है तो जंकुक प्यांग की ओर देखता है। प्यांग जो बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कार में ही बेहोश हो जाती है। प्यांग, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तुम्हारा घर आ गया है। प्यांग नहीं उठती है तो जंकुक प्यांग को अपने गोद में लेकर उसके घर के अंदर ले जाता है। ओह, तुम कितनी भारी हो, तुम देखने में पतली लगती हो। तुम्हारी तो बॉडी गर्म है, तुम्हें तो फीवर है। त्यांग, त्यांग क्या हुआ इसे? हाय रे राम, क्या हुआ इसको? इसका कमरा कहाँ है? आगे से लेफ्ट। चंकू त्यांग को बेड पे लेटा देता है। बोलते क्यों नहीं हो? हमारी बच्ची को क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ? क्या तेरे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? बताओ ना क्या हुआ है इसे? एक मिनट, तुम ही हो ना जियोन जंकू? क्यों तुम इसके पीछे पड़े हुए? क्यों करवाते हो तुम इसे इतनी काम? रात रात भर जाकर ये ऑफिस का काम करते रहती है, इसलिए आज मेरी ते का ये हालत है। क्या बिगाड़ी है मेरी ते ने तुम्हारा? क्या हुआ है मेरी ते को? कुछ भी नहीं, बस वो बेहोश हो गई है। लोग चाहो तो मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ। बस तुम्हारे और हम किस किस बात का एहसान मानेंगे? तुम इसे इस हालत में घर ले आए इस बात का, या इसकी सजा पूरी हो गई इस बात का? जो भी है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ते को होश आ जाता है। ते, क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। ते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना? ते, क्या कर रही है तू? क्यों मानती है उनकी बात? क्या जरूरत थी हाँ करने की? क्यों, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है। फिर क्यों?
बार बार मुझे उसी का ख्याल आ रहा है, सिर्फ उसी का चेहरा। आह, पता नहीं जब से जिमिन के मुंह से उसके जाने की बात सुनी है, दिल में अजीब सी एक बेचैनी सी हो रही है। ओह, क्या जो मैं करूँ इस दिल का, कहीं मुझे जिमिन से प्यार तो नहीं हो गया। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी होप, एक बात बताओ। हाँ भाई, बोलो। जी होप, क्या किसी को दो मुलाकात में ही प्यार हो सकता है? तभी वहाँ पर जीन आ जाती है और सुबह जी होप की बात सुन लेती है। हाँ, दो मुलाकातों में प्यार क्यों नहीं हो सकता है? मॉम, आप? हाँ बेटा, कोई मासूम हो, उसके इरादे नेक हो, तो ऐसे इंसान से प्यार होने के लिए दो या तीन मुलाकातें की जरूरत नहीं होती है। तुम जिससे प्यार करते हो उसे प्रपोज कर दो। मॉम, मैं तो बस ये सब अपने दोस्त के लिए पूछ रहा था। हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन से दोस्त के बारे में पूछ रहे हो। मॉम, सुबह भाई को ना एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। जी हो, चुप करो, तो मेरा शक सही निकला। सुबह बेटा, तुम उससे प्यार करते हो? हाँ मॉम। तो सुबह तुम उसे प्रपोज करो। पर मॉम, वो मुझे प्यार करती है या नहीं करती है मुझे नहीं पता है। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे मना कर दिया, तो वो मना नहीं कर